किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज मैं लगभग 10 दिन बाद अपने फार्म पर आया हूं और मुझे काफ़ी जो किसान साथी नींबू के पौधे ले गए हैं उन्होंने कई सवाल किए हैं मुझसे, तो उन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इसे बनाने से पहले मैंने नावेद भाई से इसके बारे में पूरी चर्चा की और जो भी मैं बता रहा हूँ ये विधि अगर आप अपनाएंगे तो 2 माह तक आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किसान साथियों, मैं 3 बिंदुओं पर बात करूँ। पहला है कि पौधा स्वस्थ रहे, उसमें कोई पीलापन ना आए, पत्ते ना सिकड़े। दूसरा है कि हमें खाद कब और कितना देना है। और तीसरा है हमें पानी का क्या ध्यान रखना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने ये पौधे लगाए थे। जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो साईं सरबती का पौधा है। आइए इस पौधे को देखें किसान साथियों। ये देखिए, ये पौधा मैंने लगाया है और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत बारिश हुई है यहाँ अभी, आज सुबह भी और 2 दिन पहले भी। तो आप थोड़ा देखेंगे कि ये मैंने ऊँचा करके लगाया है। ये लगभग इसमें अभी भी 4 इंच ऊँचा होगा, ये नीचे के इधर से 4 इंच ऊँचा होगा। जैसे ही थोड़ा सा ये गुड़ाई करने लायक होगा मैं इसके आसपास गुड़ाई कराऊंगा। पौधा लंबा है इसलिए इसे डंडी का सहारा भी हमने दिया है थोड़ा सा करने के लिए। अभी मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर डंडी लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके पत्ते सिकड़ गए हैं। ये देखिए, पत्ता सिकुड़ गया और इसमें पीलापन कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो इसमें थोड़ी लीप माइनर की शिकायत है। ये देखिए, लीफ माइनर आपको दिखाई दे रहा। तो इस अवस्था में हमें क्या करना है किसान साथियों? एक ये भी देखिए, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखिए। ये लाना क्लोजअप में दिखाने लगा। ये देखिए, ये इसमें एक इल्ली भी आ गई है जो नए नए पत्ते निकलते हैं। देखिए, ये नया पत्ता निकल रहा है इसे खाने के लिए। ये वाली, ये देखिए, ये इल्ली आ गई है। ये इल्ली, ये देखिए, ये इल्ली है। हमें इसका भी इलाज करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भाई के अगर पत्ते पीले पड़ गए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका मैं इलाज बताता हूँ। लेकिन अगर वो शाखा सूख गई है, अगर कोई छोटी मोटी शाखा सूख गई है तो उसको आप सूखे हुए भाग को कट कर, पहला काम ये कर। अब आइए मैं बताता हूँ कि जो पत्ते सिकुड़ गए हैं उससे घबराने की कोई बात नहीं है, उनकी जगह देखिए नए पत्ते निकले। लेकिन इसमें ये जो लीफ माइनर आया है और इससे लीफ माइनर से ये सिकुड़न हो गई है, तो आपको क्या करना है? 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कि पत्ता सिकुड़ गया है और लीफ माइनर, तो इसमें क्या करें आप? इमीडा क्लोरोपिड, ध्यान रखिए, इमीडा क्लोरोपिड जो 17.6% की होती है उसका 0.5 ml प्रति लीटर का छिड़काव पौधे पर करें। किसान साथियों, अगर आपके पौधे में ये लीफ माइनर और सिकुड़न है तो दोनों में से कोई भी एक दवाई आप प्रयोग कर सकते हैं। पहली है इमीडा क्लोरोपिड, 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाइए और कोई भी स्टिकर उसमें मिला लीजिए, जैसे हम शैम्पू का पोच कहते हैं, और उसका छिड़काव करें। ये लीफ माइनर और सिकुड़न दोनों को ख़त्म कर। लेकिन दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर कोई शाखा सूखने लगी तो आपको उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर लीजिए और उसको आप इस पर स्प्रे भी करिए और कम से कम 200 ml इसकी जड़ में दे दीजिए, पौधे की जड़ में दे दीजिए। ये हुई दूसरी विधि। तीसरी, अगर आपको इल्ली कोई नज़र आएगी, जैसे मेरे मत अभी मेरे कोई पत्ते नहीं खाए हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हैं, देखिए ये आपके नए पत्ते निकल रहे हैं, ये नए पत्ते निकल रहे हैं, तो नए पत्तों पर इल्ली आती है। अगर इल्ली आ गई तो आप डाइमेथियोट जो रोगोल नाम से आती है उसका 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करिए, आपकी इल्ली नहीं आएगी और इल्ली ख़त्म हो जाएगी। 1 महीने तक आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये तो हुआ उसमें देखभाल, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि अगर पत्ते में सिकुड़न है और इसमें लीफ माइनर है तो इमीडा क्लोरोपिड 0.5 ml प्रति लीटर या लेंसर गोल्ड 1 ग्राम
प्रति लीटर के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक स्प्रे करें। लेकिन अगर इल्ली आ गई तो आपको डाइमेथियोट करना है। अगर आपके पौधे में, फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पौधे में कोई शाखा सूख गई है उसको काटिए और COC का स्प्रे करिए। किसान साथियों, एक आदत डाल लीजिए, हर महीने जिस दिन आप करेंगे महीने में एक बार COC का स्प्रे पहले 6 महीने अवश्य करिए। महीने में एक बार 3 ग्राम प्रति लीटर COC का स्प्रे और उसकी ड्रिंचिंग। ये हुई आपकी दवाई की या पौधे की देख। आइए अब आपको दूसरा पौधा। किसान साथियों, मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा कि इसमें नीचे खाद क्या डाला है, वो सबको बताया गया है और मैं वेबसाइट पर भी पढ़ा। फिर भी आप 20 दिन बाद आप इस पौधे के चारों ओर 6 इंच, देखिए ये जड़ है, मैं फिर बता रहा हूँ ये जड़ है, यहाँ ये देखिए ये जड़ है इसकी, इसके 6 इंच बाद इतना घेरा बनाइए और उसमें आप या तो आप 20 ग्राम DAP यूज कर लीजिए, और या DAP ना करके आप 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम पोटास चारों तरफ डाल दीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए। ये हुई है खाद का प्रबंध। ये इतना खाद आप हर महीने, ध्यान रहे, हर महीने दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि पौधे से 6 इंच दूर देना। ये हुई खाद की बात। किसान साथियों, बरसात का मौसम है लेकिन सब जगह बारिश नहीं हो रही। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे में नमी बनी रहे। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि नमी बनाने के लिए 4 लीटर प्रत्येक पौधे में पानी अवश्य दीजिए, 4 लीटर प्रतिदिन। किसान साथियों, पानी की जो मैं बात बता रहा था वो ये है, आपको ये देखना क्या मेरे पौधे में पानी की आवश्यकता होगी। जो डॉक्टर दिनेश पैठन कर रहे हैं उन्होंने बताया था कि आप यहाँ की मिट्टी उठा लीजिए, अगर वो मिट्टी आपने दबाई और छोड़ दी, अगर वो मिट्टी आपके हाथ में बंधी हुई रह गई, पानी की आवश्यकता नहीं है, और अगर मिट्टी आपके हाथ से बिखर गई तो पानी की आवश्यकता। किसान साथियों, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक बार फिर मैं समराइज करता हूँ। पौधों में सिकुड़न होना, पत्तों का पीला पड़ना, शाखाओं का सूख जाना और इल्लियाँ, ये हुई एक, दूसरी खाद की, और तीसरी पानी। आप इस वीडियो को फिर देखिए और इस प्रकार अपने पौधे की देखभाल कीजिए, आपको 2 महीने तक कोई भी आवश्यकता नहीं। पौधा लगाने के कम से कम 20 दिन बाद आपको जो खाद की मात्रा बताई है, ध्यान रखिए खाद की मात्रा बहुत अधिक नहीं, जितनी बताई है उतनी है। प्रत्येक माह आप खाद देते जाइए, पौधा बहुत अच्छा चलेगा आपका, क्योंकि ये बहुत प्रमाणित नर्सरी का। किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।